यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। औरैया से एक अजब गजब तस्वीर। औरैया के बिधुना कोतवाली में प्रेमी प्रेमिका ने शादी की, लेकिन ये शादी हुई कोतवाली में। दोनों ही बालिग होने के बाद परिवार वाले दोनों के माने और उसके बाद पुलिस की देखरेख में कोतवाली बिधुना के अंदर दोनों ने शादी की और इससे सभी खुश नजर आ रहे थे। दोनों की एक साथ का परिवार है और दूसरा बात हम बन रहा है। इस बात को लेकर दोनों के गार्जियंस राजी नहीं थे। बात मुकदमेबाजी तक पहुंची। चार भले व्यक्तियों ने व हम सब ने बैठ के इनका समझौता करा दिया। इससे एक घर बस गया और दोनों परिवारों की कटुता भी खत्म हो गई। मंदिर में विधुना में थाने के अंदर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। खबर दिल्ली से है। रेल पटरियों के किनारे झुग्गियों को हटाने का मामला केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टल गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि इस बीच हम झुग्गियों को नहीं हटाएंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे जो झुग्गियां बनी हैं उस संबंध में हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांग लिया। अविनाश तिवारी हमारे साथ है। अविनाश, पूरा मामला क्या है और हुआ क्या है कोर्ट में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में एक निर्णय दिया था जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में जितनी भी रेलवे ट्रैक हैं उसके आजू बाजू जो भी झुग्गियां बनी हुई है उसको हटाया जाए। तकरीबन 90,000 झुग्गियां ऐसी हैं जो दिल्ली के पटरियों के किनारे बनी हुई है। ऐसे में काफी विरोध हो रहा था जिसके बाद फिर से पुनर्विचार याचिका डाली गई थी और केंद्र ने भी अपनी तरफ से कहा था कि हम इनके पुनर्वास के लिए कुछ बेहतर कदम उठाएंगे। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट जब इस मसले पर सुनवाई कर रहा था कि झुग्गियों को हटाने के लिए अब तक क्या कुछ किया जाए, इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया कि झुग्गियों को हटाने के लिए हम प्रयासरत हैं और उनके जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। अगर 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए जिससे कि वहाँ पे जो झुग्गियां हैं उनके हम पुनर्वास करा सके, जो झुग्गियों में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित जगह हटाया जा सके और एक ठोस निर्णय लिया जा सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोहलत दे दी है। 4 हफ्ते के बाद दोबारा सुनवाई होगी जिससे केंद्र सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। ठीक है अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। 4 हफ्ते का समय मिल गया है, केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते में जवाब देगा। और एक और बड़ी खबर।